नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आपको बता दें, तलाशपुर गांव में वैद्यनाथ यादव के घर में लाखों की चोरी को अंजाम दिए चोरों ने। आपको बता दें, ग्राम सभा गलाई के अंतर्गत आने वाले मणियाहों जौनपुर का यह मामला है। बताया यह जा रहा है कि चोरों ने पहले कुछ चीज ऐसा सुलगाया जलाया जिससे धुआं बना और लोग सो गए हैं। जैसा कि महिलाओं ने कहा है कि वो सो गए, फिर उनको पता नहीं चला कब ये चोरी, रात को चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। फिलहाल यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं, चोरों ने किस तरीके से सामान को इधर उधर बिखेर दिया है। बाकी की रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेश पांडे द्वारा, सुनिए आगे क्या कहते हैं और वहाँ के पीड़ित क्या कर रहे हैं। देख रहे हैं हम इस समय जौनपुर जिले के गगलाई ग्राम पंचायत और गाँव तलाशपुर में उपस्थित हूँ। कल रात को यहाँ लंबी चोरी हुई है। आइए परिजनों से हम जानते हैं क्या क्या चोरी हुई है और किस तरह से चोर घर में किस तरह से उतर पुतर करके चोरी की है। पहले अपना नाम बताइए। कब चोरी हुई है? 10:30 बजे तक तो मैं जा रही थी, इसके बाद मालूम नहीं। अच्छा, क्या लगभग क्या क्या चोरी हुआ है? उसे गहने में क्या क्या चोरी था? कंगन था, चैन था, अंगूठी था और झुमका था और एक दो पायल था, पैजनी दो था और एक कमर पट्टा था 1.5 किलो का चांदी का। और पैसे वैसे कुछ? कैश पैसा भी था? पैसा भी थोड़ा बहुत था। कितना लगभग? अरे 10-15 हज़ार होगा। 15 हज़ार तो मैं ही रखी थी, इसके बाद छोटा मोटा था। ये देखिए, ये अपना पैसा बता रही हैं, जैसा कि अपना पैसा बता रही हैं और क्या गहने थे वो सब क्या क्या चोरी हुआ है। यहाँ देखिए, कैमरामैन दिखाएंगे, काफ़ी संख्या में महिलाएं जुटी हुई हैं। ये इनकी घर की छोटी बहन है, छोटी बहन। आप क्या नाम है आपका? सीमा यादव जी हैं। आपका क्या क्या चोरी हुआ है और घर में क्या क्या रखी थी आप बता दे बहनी। काफ़ी देखिए, काफ़ी परेशान हैं और सब कुछ चोरी हो गया है इनका। क्या 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 चोरी हुआ है? शादी का सब सामान था, मुझे बच्चों का दो कर दो, पति को 3 चैन था, अंगूठी थी 4-5 पायल। कैश पैसे भी थे आपके? नहीं, पैसे ज़्यादा नहीं है, सामान बहुत था, 5-6। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में हम महिलाएं जुटी हुई हैं, काफ़ी लंबा चोरी हुआ है। तकलीफ और समस्याएं बता रहा है इन दोनों महिलाओं का कि क्या क्या चोरी हुआ है। तो आप दवा दवा छिड़क के चोरी की? अच्छा, बेहोशी का दवा दे लगता है, स्प्रे वगैरह जो होता है चोर करते हैं जो चोरी करने से पहले, वो करते हुआ है। अच्छा अच्छा, वो मैं गई नल पे हाथ लोग हुए, नल के पास से भी आ रहे थे। इसके बाद फिर मैं गई बाथरूम, आए तो झाड़ू बर्तन करने लगे, ध्यान ही नहीं आया उधर, अभी दरवाजा खुला। ये चोरों का प्री प्लानिंग के साथ, मतलब पूरा एकदम 2-3-4 लोग, घर में कितने लोग रहते हैं आपके? 3 ही जन हैं। 3 लोग थे, तीनों लोग एकदम बेहोशी के हालत में सुबह उठे हुए हैं और विधिवत चोरों ने चोरी किया है। प्रशासन से आप क्या उम्मीद करेंगे? प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे?